हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से लगातार चल रही होगी। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के अंतर्गत मैंने 9 कक्षाएं ले चुका हूँ और 9वीं कक्षा में मैं आप सभी को व्यंजन संधि पढ़ाया था। आज ये मेरी 10वीं कक्षा रहेगी और व्यंजन संधि से संबंधित जो महत्वपूर्ण नियम रह गए थे उनको मैं आज कवर करूंगा। आप अगर पूरी सावधानी से, पूरे अनुशासन से, पूरे मन से अगर हमारे वीडियो को देखेंगे तो जरूर ही आपको लाभ होगा। और प्रतियोगी परीक्षा में जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को मैं कवर कर रहा हूं। कोई भी परीक्षा हो, अगर संधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो यकीन मानिए अगर आप हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो संधि से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं उनको बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपको समझ में भी आएगा। आइए आज हमारी इस क्लास में जो महत्वपूर्ण नियम रह गए थे उनको देखते हैं। नियम नंबर आठ कहता है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। नियम नंबर आठ बता रहा है कि कोई भी वर्ण जो होता है उस वर्ण का जो पहला वर्ण होता है वो तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तित होता है। ये कहता है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण जो होता है, यानी जैसे क से लेके प वर्ग तक, क च ट त प वर्ग का पहला वर्ण जो होता है, अगर उसका मेल किसी स्वर से हो या किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो या अंतःस्थ व्यंजन से हो, यानी क च ट त प का मेल अगर किसी स्वर से हो, स्वर की संख्या मैंने बताया था आप सभी को 11 होता है, और या किसी वर्ग के तीसरे चौथे, जैसे ग से हो, घ से हो, क वर्ग में ग घ आ जाएगा, च वर्ग में अगर देखेंगे तो ज झ आ जाएगा, ट वर्ग में ड ढ आ जाएगा, इसी प्रकार से त वर्ग में द ध आ जाएगा और प वर्ग में ब भ आ जाएगा, या फिर अंतःस्थ व्यंजन य र ल व से हो तो क्या होगा, उस वर्ग का जो पहला वर्ण हो, उस वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे दिक, ये सब आधे होंगे, क पे हलंत लगा है इसका मतलब आधा क है, पूरा क नहीं है, यानी दिक में जब हम गज जोड़ेंगे तो ये क्या हो रहा है, वर्ग का पहला वर्ण ये जो क है ये वर्ग का पहला वर्ण है और इसका मेल किससे हो रहा है, तीसरे वर्ण से हो रहा है, तीसरे से यानी ग से हो रहा है, तो क्या होगा, ये क जो है ग में परिवर्तित हो जाएगा और आधे ग में परिवर्तित होगा। क्यों, क्योंकि ये आधा क है इसलिए ये आधा ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो दिग्गज हो जाएगा, दिक प्लस गज दिग्गज, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से हम वाक प्लस ईस को देखते हैं, जब वाक प्लस ई क्या है, ई आपका स्वर हो गया, ई क्या हो गया स्वर हो गया, और क क्या हो गया किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो गया, यानी क वर्ग का ये पहला वर्ण है, तो जब इसका मेल स्वर से होगा तो क्या होगा, क किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग में, क किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग में, और ग से जब ई मिलेगा तो गी हो जाएगा, तो वागीस हो जाएगा, यानी वागीस का संधि विच्छेद करेंगे तो वाक प्लस ईस हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जब उद्योग का संधि विच्छेद करते हैं, किसका, उद्योग का, तो यहां पर उत प्लस योग, त क्या है, त वर्ग का पहला वर्ण है त, और इसका किससे योग हो रहा है, य से हो रहा है, किससे, अंतःस्थ व्यंजन जो होता है यह उससे हो रहा है, इसलिए यह त किस में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे में, यानी त थ द में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए द में यार, ये त आधा है, यहाँ भी द आधा है, तो उद्योग हो गया। देखिए यहाँ पर क आधा था लेकिन यहाँ ग पूरा है, क्यों, क्योंकि क आधा ही था, जब हम इसका स्वर से स्वर से योग कराएंगे तो क ग में परिवर्तित होगा लेकिन आधे ग में होगा, तो ग में जब ई मिल जाएगा तो ई क्या है, स्वर है, तो ये क्या हो जाएगा, गी बन जाएगा जो कि व्यंजन हो जाएगा, यहाँ पे पूरा गी आ जाएगा। नियम नंबर 9 बताता है कि किसी भी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की संख्या हमने बताया था कितना होता है, 4 होता है, अ ई उ री, यानी किसी भी ह्रस्व स्वर या आ, आ क्या है, दीर्घ स्वर है, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल अगर 6 से होता है, 6 से होने पर क्या होगा, 6 से पहले च जुड़ जाएगा, और च कैसा जुड़ेगा, आधा च जुड़ेगा, कैसा, यानी अगर किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल
छह से होने पर तो छह से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे आइए देखते हैं, जैसे स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद, अब व में क्या है, अशामिल है, व में अशामिल है, इसलिए जब हम और इसका मेल किससे हो रहा है, छह से हो रहा है, यानी ये स्वर है, व में अस्वर है और स्वर का मेल छह से हो रहा है। ये नियम बताता है कि छह से होने पर छह से पहले च जोड़ दिया जाएगा, और कैसा च जोड़ा जाएगा, आधा च, यानी च पे हलन, यानी ये आधा च, देखिए यहाँ जुड़ा है स्वच्छंद, यानी स्वच्छंद किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का। इसी प्रकार से अनुच्छेद जो होता है, अनुच्छेद, अनुच्छेद का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस छेद होगा। अब नु में क्या है, छोटी उ है, यहाँ पे ह्रस्व स्वर है छोटी उ, और उ जब छोटी उ का मेल हम छह से करेंगे तो छह से पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे च जुड़ जाएगा, अनुच्छेद। इसी तरह से ये आपका नौवा नंबर कंप्लीट हुआ व्यंजन संधि का। दो और महत्वपूर्ण नियम है इससे संबंधित, एक आपका ये हो गया, यदि री मूर्धन्य री, यानी री यानी नियम नंबर 10 क्या कहता है, यदि री के बाद, मूर्धन्य री के बाद, या र के बाद, या मूर्धन्य स के बाद अगर न व्यंजन आता है, री र स के बाद अगर न व्यंजन आता है तो न का क्या हो जाता है, न र र में परिवर्तित हो जाता है, र में, यानी ट वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो उसमें परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए, उससे पहले री होना चाहिए, यानी न से पहले री होना चाहिए, चाहे र होना चाहिए, चाहे मूर्धन्य स। जैसे आइए देखते हैं, जैसे परी, अब यहाँ पे र है और यहाँ पे न है, र का मेल न से हो रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे न जो है र में परिवर्तित हो जाएगा, परिणाम, यानी परि प्लस नाम, परिणाम, परिणाम किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से प्र प्लस मान, प्र प्लस मान, प्र में क्या है, र है, प्र में र है, तो र का देखिए यहाँ पर भी न आया है, न कहीं पर भी आया, चाहे पहले आए चाहे बाद में आया, यहाँ पर देखिए न पहले आ गया था, यहाँ पे न बाद में आ रहा है, तो प्र प्लस मान, प्र प्लस मान से क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा, न किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में। इसी प्रकार से देखते हैं राम, राम प्लस अयन, अब देखिए न यहाँ पर है और न से पहले क्या है, देखिए यहाँ पे र है, न से पहले यानी इसमें क्या है, र है, तो राम का जब हम राम को जब हम अयन से जोड़ेंगे तो ये रामायण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामायण। अब देखिए ऐसा नहीं है कि इस अ को और इस अ को मिला के दीर्घ स्वर संधि कर दें, ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये न जो है र में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए रामायण व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। और अब इससे संबंधित, व्यंजन संधि से संबंधित एक और महत्वपूर्ण नियम रह गया, स से संबंधित ये नियम है, यानी अगर स से पहले स, यानी कौन सा स है, ये दंत स है, दंत स से पहले अ आ से भिन्न, अ यानी अ और आ को छोड़कर अगर कोई भिन्न स्वर आता है, कोई भी अ आ आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो स जो है, यानी दंत स किस में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आइए देखते हैं, जैसे वी प्लस सम, अब देखिए ये क्या है, दंत स है, अब दंत स से पहले छोटी ई है, अ आ से भिन्न स्वर आना चाहिए, तो अ आ से भिन्न है, छोटी ई है, तो इसका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी ये स मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएगा, यानी विषम का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वी प्लस सम होगा, और सम में ये कौन सा रहेगा, ये दंत स रहेगा, लेकिन जब हम शब्द बनाएंगे तो विषम हो जाएगा, और विषम में कौन सा स हो जाएगा, यहाँ पे मूर्धन्य स। इसी प्रकार से सु प्लस समा, सु प्लस समा का जब हम संधि, सु प्लस समा को जो हम जोड़ते हैं तो ये सुषमा बनता है, और सुषमा में ये कौन सा स रहेगा, ये भैया आपका मूर्धन्य स रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अ आ से भिन्न स्वर आया, छोटी हुआ है, छोटी उ का मेल स से हुआ, तो ये स किस में परिवर्तित हो गया, मूर्धन्य स में। इसी प्रकार से वी प्लस साध को जब हम देखते हैं, वी प्लस साध को, तो यहाँ पर क्या है, छोटी ई है, वी में छोटी ई है, तो छोटी ई का जब हम मेल स से करेंगे तो ये स जो है मूर्धन्य स में, यानी दंत स किस में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य स में, तो विषाद हो गया। इसी प्रकार से एक और है, अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक, अब देखिए भी में क्या है, छोटी ई है, तो छोटी ई का जब हम दंत स से मेल करेंगे तो दंत स किस में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धन्य स में, तो यानी अभिषेक, यानी अभिषेक, विषम, सुषमा और विषाद, ये सब किस संधि के उदाहरण है, व्यंजन संधि के उदाहरण है। आइए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं। व्यंजन संधि से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए इनको हम लोग हल करते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि दिगंबर में कौन सी संधि है, दिगंबर में कौन सी संधि है, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है कि अयादि संधि है।
अब बताइए, मैंने आप सभी को बताया था कि दिगंबर में, दिगंबर का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दिगंबर का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये दिक, दिक प्लस अंबर बनेगा। क्या बनेगा? दिक प्लस अंबर। अब मैंने बताया था कि एक नियम जो आज ही मैंने बताया, जो आठवां नियम था आज का, उसमें मैंने बताया कि किसी भी वर्ग का, किसी या जो प्रथम वर्ग जो होता है, वो प्रथम वर्ग कैसे तीसरे वर्ग में परिवर्तित होता है, यानी क च ट त प कैसे तीसरे में परिवर्तित होते हैं। तो क च ट त प यानी किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण का योग, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का योग अगर स्वर से हो या तीसरे या चौथे वर्ण से हो तो वो क्या होगा, वो अब प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क का योग किससे हो रहा है, स्वर से हो रहा है, अ से, तो क किस में परिवर्तित हो जाएगा यहाँ पे, ग में, और क पे क्या रहेगा, हलंत रहेगा, तभी ये व्यंजन संधि माना जाएगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ये व्यंजन संधि है। कौन सा है? व्यंजन संधि। दिगंबर में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तो इसका जब हम दिगंबर का संधि विच्छेद करेंगे तो दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, दिक मतलब होता है दिशा, दिक मतलब क्या होता है, दिशा, दिशा, और अंबर का मतलब होता है क्या, अंबर का मतलब होता है आसमान। क्या होता है? अंबर मतलब आकाश या आसमान, आकाश या आसमान, यानी आकाश या दिशाएं ही, दिशाएं ही, सॉरी, अंबर मतलब आसमान नहीं होगा, अंबर मतलब वस्त्र होता है। अंबर मतलब क्या होता है? वस्त्र। अंबर मतलब वस्त्र होता है। अंबर मतलब क्या होता है? वस्त्र। अंबर मतलब वस्त्र होता है, यानी दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, जिसका, जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हो। जैसे जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर दो दो धर्म आ जाते हैं बाद में, जब जैन धर्म का विभाजन हो जाता है तो एक श्वेतांबर हो जाता है और एक दिगंबर हो जाता है। तो श्वेतांबर जो होते हैं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, अंबर मतलब वस्त्र ही होता है, और दिगंबर जो होते हैं वो नग्न रहते थे। तो वही उसी से संबंधित है, दिगंबर यानी दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, यानी वो जो भी उनके, जो भी उनके चारों ओर का वातावरण है वही उनको वस्त्र मान लेते हैं, वो लोग वस्त्र नहीं पहनते हैं तो वो दिगंबर कहलाते हैं। तो दिशा ही जिसका वस्त्र हो। तो दिगंबर में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अब हम देखते हैं उद्धरण का सही संधि विच्छेद है, उद्धरण का सही संधि विच्छेद है, ये बीएड में पूछा गया प्रश्न है उद्धरण। तो हमने बताया था कि त से संबंधित एक नियम था कि अगर त के बाद, त के बाद अगर ह आता है, त के बाद अगर ह आता है तो त का परिवर्तन द में हो जाता है और ह का परिवर्तन ध में हो जाता है, आधा द, आधा द में, यानी त का परिवर्तन आधा द में होगा और ध, ह का परिवर्तन आधा ध में हो जाएगा। तो इसमें उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस धरण नहीं, क्योंकि ये तो सही है लेकिन यहाँ पे ह होना चाहिए। उत प्लस अण ये भी नहीं होगा, उत प्लस हरण ये सही हो जाएगा, उत प्लस हरण। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस हरण, हरण, उद्ध प्लस रण ये भी गलत हो जाएगा, यानी उत प्लस हरण यही हमारा सही आंसर होगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है, उच्छ्वास, ये देखिए बीएड 2004 में पूछा गया है, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2004 में पूछा गया था कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है क्या होगा। भैया देखिए, उच्च प्लस श्वास या उत प्लस श्वास या उद प्लस श्वास या उच्च प्लस श्वास। तो इससे संबंधित एक, त से संबंधित एक और नियम है, जैसे ऊपर अभी हमने क्या पढ़ा, त से संबंधित एक नियम था कि त के बाद अगर ह आता है तो त क्या हो जाएगा, द में, आधे, आधा द में परिवर्तित हो जाएगा और ह आधा ध में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से उच्छ्वास में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी एक त से संबंधित यहाँ भी नियम है कि त के बाद अगर तालव्य स आता है, त के बाद क्या आता है, तालव्य स आता है तो त जो है, त का परिवर्तन छ में हो जाता है और तालव्य स का परिवर्तन आधा च में हो जाता है। यानी देखिए यहाँ पे उच्छ्वास है, उच्छ्वास में त का परिवर्तन किस में होगा, आधा च में, और आधा स का परिवर्तन छ में हो जाएगा। तो उत्श्वास, उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। अब हम देखते हैं संतोष, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि संतोष का सही संधि विच्छेद है, ये भी बीएड 2004 में पूछा था।
तो संतोष का अगर सही संधि विच्छेद देखेंगे तो क्या होगा, सम प्लस तोष या सम प्लस तोष। देखिए यहाँ पे म पे हलंत लगा है, इसको विशेष ध्यान देंगे व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन संधि में जहां भी देखेंगे आप ज्यादातर एकाक अपवाद छोड़ करके, नहीं तो ज्यादातर में क्या हुआ हलंत जरूर लगा रहेगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे इसमें नारायण में अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे हलंत नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये न से संबंधित नियम है और इसमें क्या होता है कि न से संबंधित नियम है, इसमें नार प्लस अयन होगा, क्या हो जाएगा इसका नार प्लस अयन होगा, तब वो क्या होता है न जो है ऋ में परिवर्तित हो जाता है, न किस में परिवर्तित हो जाता है ऋ में। तो अगर हम संतोष का सही संधि विच्छेद देखेंगे तो सम प्लस तोष होगा, क्या होगा सम प्लस तोष, सम। अब देखिए इस पे हलंत नहीं लगा है इसलिए गलत होगा, बहुत बारीकी से ध्यान से देखेंगे तभी ये तभी सही हल कर पाएंगे। देखिए दोनों में किसका अंतर है, सिर्फ हलंत का अंतर है, इसमें हलंत लगा है इसमें नहीं लगा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सह प्लस तोष ये होगा नहीं क्योंकि ये विसर्ग संधि है और ये बनेगा ही नहीं, विसर्ग लगा हुआ है, और सन प्लस तोष ये भी नहीं बनेगा, इसका सही सही उत्तर सम प्लस तोष हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है इनका संधि विच्छेद। जैसे हम उज्ज्वल उज्ज्वल का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं उज्ज्वल का, ये क्या होगा उत उत प्लस ज्वल, उच्च उत प्लस ज्वल, ये क्या होगा उत प्लस ज्वल, ये हो जाएगा। और अगर हम उल्लेख का बात उल्लेख को देखते हैं, उल्लेख का संधि विच्छेद उत प्लस लेख हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत प्लस लेख, उल्लेख उत प्लस लेख, ये सभी व्यंजन संधि है। संगम का अगर हम देखते हैं तो ये सम सम प्लस गम, सम प्लस गम, ये अनुस्वार में म जो है कि किसमें परिवर्तित हो जाएगा अनुस्वार में, संगम। तदाकार की अगर हम देखते हैं तो तत् 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 प्लस आकार, तत् प्लस आकार, तदाकार। फिर अगर हम उदाहरण की देखते हैं उदाहरण का, तो उत प्लस आहरण होगा, क्या होगा भैया उत उत प्लस आहरण, त जो है द में परिवर्तित हो जाएगा, त के साथ अगर त के बाद अगर स्वर आता है तो त किसमें परिवर्तित हो जाता है द में, तो त किसमें द में परिवर्तित हो जाएगा, आ लगा है इसलिए यहाँ दा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी है तदाकार में तत् प्लस आकार हो जाएगा, त जो है द में परिवर्तित हो जाएगा, द के बाद आकार आ लगा है इसलिए दा हो जाएगा। संगम में अगर देखेंगे तो म के बाद क्या आ रहा है ग आ रहा है, तो म जो है किसमें परिवर्तित हो जा रहा है अनुस्वार में। उल्लेख की जब हम बात करते हैं उत प्लस लेख, ये त किसमें परिवर्तित हो जाएगा आधा ल में परिवर्तित हो जाएगा, ये नियम है, इनको मैंने जो व्यंजन संधि जब मैं पढ़ा रहा था व्यंजन संधि का जो मैं पहला वीडियो बनाया हूँ उसमें सभी नियम मैंने बताया है। तो उल्लेख का उत प्लस लेख, उज्ज्वल का उत प्लस ज्वल। उच्चारण का अगर हम देखते हैं उच्चारण में क्या हो जाएगा उत उत प्लस उत प्लस चारण, क्या हो जाएगा उत प्लस चारण, एक मिनट, उच्चारण का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, ये क्या होगा त क्या होगा आधे छ में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से हम उड्डयनम की देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उत उत प्लस डयनम, उत प्लस डयनम यानी उत प्लस डायनम, त किसमें परिवर्तित हो जाएगा ड में, जो यहाँ पे शब्द रहेगा उसी का आधा हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे च था यहाँ पे इसका आधा च हो गया, उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस डायनम उड्डयनम। तदुपरांत की अगर हम देखते हैं तो ये तत् तत् प्लस उपरांत होगा, तत् प्लस उपरांत, त किसमें परिवर्तित होगा इसमें त जो है द में परिवर्तित हो जाता है, त किसमें परिवर्तित हो जाता है द में, क्यों, क्योंकि हमने अभी आज बताया कि जो किसी भी वर्ग का अगर प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण अगर किसी स्वर से या तीसरे और चौथे वर्ण से अगर मेल करेगा तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ देखिए त है, त किससे मेल कर रहा है स्वर से कर रहा है, तो त जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में यानी त थ द में परिवर्तित हो रहा है, तो त द हो जाएगा, द में उ की मात्रा लगेगी उ दु। इसी प्रकार तल्लीन को जब हम करेंगे तो तत् प्लस लीन, क्या हो जाएगा तत् प्लस लीन तल्लीन। और सन्मार्ग का जब हम करेंगे
सन्मार्ग का जब हम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सत सत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, न में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए सभी में, सभी के जो शुरू वाले जो शब्द हैं उसका अंतिम वर्ण में हलंत लगा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये न से संबंधित नियम है। ये किससे संबंधित है, न से संबंधित नियम है। इसमें कहता है कि अगर न री र सॉरी री री से ऋषि र और हाँ री री र और एक और था री र के बाद, री र के बाद हाँ री र और स के बाद, मूर्धन्य स के बाद अगर न आता है तो क्या होगा, न किस में परिवर्तित हो जाएगा, ड में। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पे नार नार प्लस अयन होगा, नार प्लस अयन, यहाँ नर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना आ की मात्रा लगा होता है, यहाँ पे नार नार प्लस अयन नारायण हो जाएगा, नार प्लस अयन नारायण, नार प्लस अयन नारायण। यहाँ पे र की बात क्या आ रहा है, न आ रहा है, इसमें आगे पीछे भी हो सकता है ना, कहीं चाहे पहले आ जाए चाहे बाद में, ये र भी जैसे परिणाम की हम परिणाम का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो परि प्लस नाम आता है, परि प्लस नाम, न पहले आ गया लेकिन इसमें क्या हो रहा है, न बाद में आ रहा है, तो नार प्लस अयन। वाक्जाल की अगर हम बात करेंगे तो वाक 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 प्लस जाल, वाक प्लस जाल, क किस में परिवर्तित हो जा रहा है, क किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग में। यहाँ पे देखिए यहाँ ग है तो इसमें परिवर्तित हो जाएगा। शरत चंद्र की अगर हम बात करेंगे, शरत चंद्र की तो शरत हलंत प्लस चंद्र, शरत प्लस चंद्र। संसार की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे सम सम प्लस सार, सम प्लस सार, अब म पे हलंत रहेगा। और सदानंद की अगर हम बात करेंगे तो सत प्लस आनंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, ये सदानंद। तो ये व्यंजन संधि से संबंधित महत्वपूर्ण नियम थे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने देख लिया और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनका भी संधि विच्छेद करके हमने देख लिया और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने इसे अपने भाषा में सरल से सरल करने का प्रयास किया, जितना भी मुझसे हो सका मैंने उसे सरल किया। अगर आप लोगों को फिर भी कहीं समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से समझाने की। और लेकिन ये एक चीज है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा, अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो दो बार देखें, तीन बार देखें इस वीडियो को, और देखने से आपको जरूर ही फायदा होगा, लाभ होगा। और आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अब इसके बाद हम विसर्ग संधि पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारे पढ़ाए गए इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ हो, थोड़ा सा भी अगर आपको फायदा होता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।